बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मारिया बी के ड्रेसेस दिखाने लगी हूँ आपको, लग्जरी। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ईद के लिए आप मारिया बी के तकरीबन सारे आर्टिकल आप देखेंगे मेरे पास। अच्छा, ये दोनों पर्पल और सी ग्रीन एक ही आर्टिकल है, दोनों कलर मेरे पास बने हैं। व्हाइट वाला मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, ये अगेन बना है। और इसमें अच्छा, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख ले जाके। मैं इसमें डिटेल से नहीं दिखा रही हूँ, बस इसमें ये दिखा रही हूँ जो हमने एड ऑन चीज़ें की हैं, वो की हैं हमने यहाँ पे हैंगिंग। ठीक है, डिपेंड करता है, कोई किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं। लास्ट वाले ड्रेस में हमने नहीं लगाई थी, यहाँ हमने पर्ल की हैंगिंग बना के लगाई है, छोटा पर्ल और ड्रॉप वाला। ठीक है, बहुत खूबसूरत सी हैंगिंग बना के लगाई है और बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं इसकी। दुपट्टे पे एप्लिक भी, ट्राउजर पे भी, और पूरी उसकी डिजाइनिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी, मारिया बी के साथ साथ इसमें मैं एक सना सफीना का ड्रेस आपको दिखाने लगी हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। पिस्ताशियो ग्रीन कलर का है जैसे कि ये। अच्छा, ये भी देख रहे हैं आप, दो ड्रेस बने हैं, दोनों सिस्टर्स के हैं, तकरीबन सेम है। ट्राउजर की डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें। तो सबसे पहले जो मैं दिखा रही हूँ वो है ये सना सफीना का है, खाड़ी नेट का है। अच्छा, ब्रांड में हमेशा पहले बताती हूँ लेकिन कमेंट जरूर आते हैं ब्रांड का, तो प्लीज वीडियो पूरी देख लिया करें। और अब तो मैं बड़ी छोटी छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे रमजान में। ठीक है। अच्छा, ये है खाड़ी नेट जिसपे थ्रेड वर्क है और फॉइल वर्क या ये सितारा जो आप बड़ा वाला कह सकते हैं ना, कुछ उसी टाइप का है, लुक लाइक फॉइल वर्क टाइप का लगता है। अच्छा, सेंटर पीस साइड पैनल इसके अलग अलग थे, तो हमने ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे दामन पे डिटेलिंग दी है। वो कैसे दी है? लेस है और फिर बॉर्डर है, फिर लेस है। ठीक है, सेम कलर की डाई करवाई है, लेस का डिजाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। नीचे हमने कटवर्क करवाया है फैब्रिक पे रख कर ही ऐसे, और सेम कलर की यहाँ पे डिटेलिंग दी है, फैब्रिक की डिटेलिंग जो पलटावा जिसको हम कहते हैं वो। और यहाँ पे सारी हमने हैंगिंग बनाई है। अच्छा, ये कुछ बंच टाइप के क्रिस्टल के हमने बनवाए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अच्छा ये फ्रंट पे ही है जो कटवर्क है ना, हमने वहां पे किए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। अच्छा, स्लीव्स इसकी हमने कफ स्टाइल में बनाई है, यानी जो एम्ब्रॉयडरी हमें मिली थी ना वो पूरी यूज करके थोड़े लॉन्ग कफ स्टाइल में हमने इसको दिया है। गैदर्स हैं पहले तो, ठीक है, फिर जितनी एम्ब्रॉयडरी थी ये देखें, ये सारी हमने यूज की और एक लॉन्ग कफ का स्टाइल दिया इसको। और कफ में साइड पे बटन बनाए हैं जो कि फैब्रिक से बनते हैं लूप्स के साथ, ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं इसके स्लीव्स। ये देखें, ये स्टाइल है इसका। और बैक पे भी इसके इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड बूटी बनी हुई है पूरी बैक पे, स्प्रे हुआ हुआ है एम्ब्रॉयडरी का। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी ट्राउजर की तरफ। अच्छा, ट्राउजर का इसका पाइचा जो आई थिंक 10 या 12 इंचेस होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले पेंटिक्स दी है, फिर लेस लगाई है, फिर पेंटिक्स दी है, अगेन लेस लगाई है। अच्छा, ये जो लेस है ना, ये ऑर्गेन्जा पे बनी हुई है दोनों लेसेस, और डाई होने के बाद ये बिल्कुल एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच की लुक देते हैं। क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में मैंने ये पर्पल में भी लगाई थी तो सबने पूछा था कि ये कौन सी लेस है, तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे लेस बनी हुई है और बहुत खूबसूरत थ्रेड की लेस है। डाई होने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता आपको कि ये लेस है। इसके बाद ये दुपट्टा है। अच्छा, दुपट्टे पे खाड़ी नेट का दुपट्टा है, इस पर पूरे दुपट्टे पे इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड बंचेस बने हुए हैं, और फोर साइड के लिए बॉर्डर आपको मिलेगा जो कि आपने अटैच करवाना है विद पलटावा, क्योंकि उससे फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आ जाएगी जैसे कि हमने लगाया है। ठीक है। ट्राउजर ने कमाल कर दिया इसमें, ये लेस बहुत खूबसूरत लग रही है, मैंने पहले भी यूज की, बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये ग्रीन कलर में हमने लगाई है इसको डाई करके, इसमें भी बहुत ही हसीन लग रहा था ये इसका ट्राउजर। तो ये आउटफिट जिस तरह से रेडी हुआ है ना, वो बहुत ही कमाल का लग रहा है, ये देखें। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सना सफीना का। अच्छा, ये सना सफीना का लग्जरी कलेक्शन का है। ठीक है, एक उनकी मुस्लिन माहे होती है, ये लग्जरी कलेक्शन में से हमने बाय किया था, खाड़ी नेट फैब्रिक है इसका। ये हो गया जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वीडियो में मैं बस दो दो तीन तीन ड्रेसेस दिखाऊंगी, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी 6 से 7 मिनट की आजकल, क्योंकि सबके पास ही टाइम शॉर्ट होता है। जल्दी जल्दी से आप ईद की डिजाइनिंग देखिए। तो इसमें भी अब सेकेंड ड्रेस जो मैं दिखाने लगी हूँ वो है मारिया बी का, और वो भी है जी लग्जरी, अभी जो कलेक्शन आई थी उसमें से ही हमने बनाया, जो व्हाइट वाला आपने देखा ना ये उसी कलेक्शन का है। ठीक है। बड़ा खूबसूरत सा इसका सी ग्रीन सा कलर है, और इसके साथ फ्रंट जो है काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड के साथ है जिसमें बोरिंग वर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड पैच थे ये दोनों साइड पे, लेफ्ट एंड राइट जो नजर आ रहे हैं ना, ये अप्लिक करने के लिए दिए थे इन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद इसके साइड पैनल्स,
और ये नेक लाइन, अच्छा नेक लाइन बिल्कुल इसी तरह से है कि सेंटर जो आपको पैच नजर आ रहा है और जो एम्ब्रॉयडर्ड वाला, ये अलहदा से थी, ये फिक्स करने के बाद की होल वाली ही नेक लाइन बनी है, बोथ साइड्स पे होल हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमने बीड्स लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने पूरी नेक लाइन पे और यहाँ की होल में हमने बीड्स लगाए हैं। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये स्लीव, ये ऑलरेडी लगा हुआ था यहाँ पे। अच्छा ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था जो कि अटैच किया है विद लेस, हमने लेस लगाई है, सेम कलर की डाई रखी है और यहाँ पे बीड्स हमने फिक्स किए हैं, क्रिस्टल के बीड्स हैं छोटे बड़े, वो हमने फिक्स कर दिए, हैंगिंग नहीं बनाई, ठीक है। ये देखें ऐसे, अच्छा जी ये साइड पे जो इसके पैनल है उस पर भी एम्ब्रॉयडरी है, ये बॉर्डर था जो कि अटैच हुआ है एप्लिक से, उसके बाद लेस सेम कलर की डाई हो गई है, इसका पर्पल जो आपने देखा वो भी हमने बनाया है, वो भी ये जो आपने स्टार्ट में देखे है ना, वो आने वाली वीडियो में भी आप सारे ड्रेसेस जो है ना वो मैं दिखा दूंगी, क्योंकि इसमें जस्ट मैं सिर्फ यही दिखा रही हूँ। इसके बाद आ जाता है ट्राउजर, इस पे ऑर्गेन्जा की, ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगा के उसमें हमने प्लीट्स बनाई है और लास्ट में लेस लगाई है। अच्छा इसका दुपट्टा बड़ा जबरदस्त है, वो इस तरह से कि नेट का ऑर्गेन्जा दुपट्टे जिनको नहीं पसंद होते उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि दुपट्टे इनके सॉफ्ट नेट के हैं जिसपे प्रिंटिंग है, और बॉर्डर जो फोर साइड के दे दिया है ना वो इन्होंने ऑर्गेन्जा दे दिया है, ठीक है, तो ये मसला हल हो जाएगा कि सर पे टिकने वाला नहीं है। अच्छा अब ये बढ़ता हुआ लगाएंगे आप दुपट्टे के आगे, बट हमने कपड़े के ऊपर रख के लगाया है, ये रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने लगाया, इस नेट के ऊपर ही हम मैंने ये रख के अप्लीक करवा दिया है सारा, ठीक है। लेकिन जो पर्पल वाला बना है उसमें हमने बढ़ता हुआ आगे की तरफ लगाया है, ये देख रहे हैं आप, इसमें नजर आ रहा होगा, ये देखें ये नेट नीचे से नजर आ रही है, जब बढ़ता हुआ लगाएंगे तो ये कटवर्क हो जाएगा, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये थे आज के ड्रेसेस, और कैसे लगे हैं जरूर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपने दिमाग को बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।